अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 32। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू कॉपी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरह करते हैं, हाउ टू कॉपी द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट कमांड से आप ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरह करते हैं और कॉपी का फंक्शन क्या है। इसके अलावा टेक्स्ट को कॉपी किस तरह करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके मूव कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारे पास कोई यूनिट सेट है कि नहीं। तो यूनिट तो सेट है हमारे पास। अब मैं यहाँ से कॉपी का फंक्शन आपको यूज़ करवाता हूँ। तो कॉपी के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। कॉपी की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है सी पी एंटर या फिर सी ओ एंटर। देखें, सी ओ एंटर से भी कॉपी हो रहा है और सी पी से भी कॉपी हो रहा है, देख सकते हैं। सी पी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ से मूव कर देता हूँ, देखिए कॉपी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ही कॉपी हो गया। दूसरी कमांड कॉपी की है, आर ई सी एंटर, सी ओ एंटर है, सी ओ एंटर कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, जिस पॉइंट से आप उठाएंगे आप वहां से इसको उठा के मूव करते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा जी, कॉपी होता जाएगा। देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है। मल्टीपल कॉपी हो रहा है, तो ये कमांड है जी कॉपी की। ओके उसके अलावा कॉपी का ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉपी का ऑप्शन। कॉपी पे क्लिक करेंगे अपने एक सारे के सारे ऑब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए जेड स्पेस ए स्पेस में करता हूँ। अभी जितना भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके एक साथ कॉपी कर सकते हैं। तो एक साथ सिलेक्ट करके कॉपी करने का क्या तरीका है, सी पी एंटर या फिर आप इस कॉपी के ऊपर क्लिक करें, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसको मूव कर दें, कॉपी कर दें। तो ये तो तीन तरीके थे कॉपी करने के ऑब्जेक्ट को, सी पी एंटर, सी ओ एंटर और आप यहाँ से इस कमांड से जाके कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएं, जाने के बाद आप रेस के बाद कॉपी का ऑप्शन है, आप यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये था जी सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का तरीका। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया और डिलीट। अच्छा नेक्स्ट है, अब टेक्स्ट को कॉपी करने का क्या तरीका है। तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे टी एंटर करेंगे, यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, इसकी शॉर्ट क्या होती है कंट्रोल सी कॉपी के लिए। आप यहाँ पे होम पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल सी एंटर, कॉपी एंड पेस्ट की होती है कंट्रोल वी, देख सकते हैं। तो ये कॉपी की शॉर्ट की होती है यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से आप देखें कट करता हूँ, कट हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो गया। किसी और जगह पेस्ट करना चाहो तो मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट पेस्ट हो गया यहाँ पे, पेस्ट एज ब्लॉक, ब्लॉक पे आपने पेस्ट करना है तो आप एज अ ब्लॉक पेस्ट कर सकते हैं इसको, पेस्ट एज अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको हाइपरलिंक पेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन हाइपरलिंक के लिए आप हाइपरलिंक क्या होता है कि आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप उस साइट पे मूव हो जाएंगे, और ओरिजिनल और पेज स्पेशल पे क्लिक करके आप पेज स्पेशल भी कर सकते हैं। कॉपी है यहाँ पे देखें, कट भी हो गया कॉपी। कॉपी के लिए आप कॉपी पे क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी हो गया, और आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट भी कर सकते हैं आप, पेस्ट पेस्ट हो गया। उसके लिए दोबारा यहाँ पे देखें, कॉपी पे क्लिक करें, कट सॉरी कॉपी पे क्लिक करें, सारे सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, पेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें पेस्ट के ऊपर, और पेस्ट हो गया देख सकते हैं। तो ये कॉपी और पेस्ट का फंक्शन है यहाँ पे, देख सकते हैं कट कॉपी और पेस्ट का फंक्शन है यहाँ पे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको टेक्स्ट को कॉपी करना और इसको कॉपी करने का आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने जिस ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो इसलिए हमारे पास ये हैंग हो गया थोड़ा सा सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर है नहीं कि जो ओपन हो, क्योंकि हमारे पास देखिए व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास आप इस बटन पे क्लिक करें बेस पे, देखें यहाँ पे फ्रॉम मॉडल स्पेस है और फ्रॉम इन्वेंटर, तो ये अलग से एक ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन वो अभी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। और यूटिलिटीज़ में आईडी, ओके जो जो चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो ये तरीका था जी कॉपी को पेस्ट और कट करने का। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं कभी मैं जब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपने टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं क्लिक करके मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाता है। अब इसके सिलेक्ट में भी दो तीन तरीके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देखें एक तो स्टाइल ये देखें इस तरह आ रहा है जो कि सही एक्यूरेट सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि मैं माउस की क्लिक को, जो हमारे पास क्लिक है उस क्लिक को मैं प्रेस किए रखता हूँ तब जाके हमारे पास सिलेक्शन इस तरह होती है, लेकिन अगर आप एक बार क्लिक करके फिर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन होगी जो कि आपके लिए ईजी होती है सिलेक्शन। तो ये कुछ थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं इसमें ऑटोकैड में, या कुछ नए आप कह सकते हैं कि कोई नई टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हुई है, क्योंकि ऑटोकैड 2007 में ये काम नहीं होता था। उसके लिए आप बेशक माउस को माउस की क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करें तभी सिलेक्ट हो जाता था, या फिर एक बार क्लिक करके करें तभी सिलेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे इस ऑटोकैड 2015 में एक नया ये एडवांस चीज़ आई है कि आपने अगर सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए आप क्लिक करके आप सिलेक्ट करेंगे तो आप कुछ एरिया यहाँ तक इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें देख सकते हैं, और जब आप क्लिक करके आप यहाँ तक ले आएंगे तो अलग से सिलेक्शन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी टेक्स्ट को किस तरह कट कॉपी करते हैं, और उसके अलावा अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह कॉपी और किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं या मूव करते हैं। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो जो मैं काम करवा रहा हूँ इसे बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इस पर काम करें, ताकि आप आसानी से एक जब हम प्रैक्टिकली काम करें तो उसमें आप आसानी से काम कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।